दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन बोरिस बेकर की, और उन्होंने कौन सी गलतियां की है जिसको हमें भविष्य में नहीं करना है, उसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं। बोरिस बेकर के बारे में आपको मैं बताऊं कि ये जर्मनी से थे और वर्ल्ड के नंबर वन टेनिस प्लेयर रहे थे अपने जमाने में। तो बोरिस बेकर बहुत बड़ा नाम था 1990-92 के समय में टेनिस के जगत में। उन्होंने 17 साल की उम्र में एक ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। देखिए, 17 साल की उम्र में टोटल 6 ग्रैंड स्लैम के टाइटल जीते हैं, और पूरे कैरियर में उन्होंने 49 कैरियर टाइटल जीते हैं, यानी 50 से सिर्फ एक कम। 1965 से 2005 के बीच में जो ग्रेट प्लेयर्स की जो लिस्ट आती है उसमें वो रैंकिंग 11 है, वर्ल्ड की रैंकिंग 11 है। और आज के जो बहुत बड़े प्लेयर है नोवाक जोकोविच, इनके भी ये कोच रह चुके हैं। तो बहुत ही शानदार कैरियर इनका रहा है, और ऑल टाइम अर्निंग्स यानी पूरी प्राइज मनी की जो अर्निंग है उसमें ये ऑल टाइम में 12वें नंबर पर आते हैं। 2.5 करोड़ से ज़्यादा का इन्होंने प्राइज मनी जीता है, $2.5 करोड़ यानी 175 करोड़ रुपए। अपने ज़माने में इन्हें बूम बूम का भी एक उपलब्धि दिया जाता था, लेकिन यही बूम बूम आज बस्ट हो गए हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने, बोरिस बेकर ने, बैंकरप्सी के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि वो एक $14 मिलियन की एक लोन है एक प्राइवेट बैंक को, उनको वो वापस नहीं कर पाए हैं। अभी बैंकरप्सी का प्रोसेस चल ही रहा है, और सबसे बड़ा दुख की बात देखिए कि बैंकरप्सी में बोरिस बेकर अपनी ट्रॉफीज, अपने मेडल्स और अपने कपड़े जो जिसको पहन के वो खेला करते थे उसकी वो नीलामी करने वाले हैं। ये सब चीज़ें ऑक्शन होगी। आप समझिए कि एक ज़माने में वो प्लेयर कितना कमाता था और वो कहाँ कितने ऊपर लेवल से कितना नीचे गिरा, ये देखिए हम लोगों के सामने ही एक ये लाइव उदाहरण है। तो फिर भी ये मैं मानता हूँ कि बोरिस बेकर ने ये गलतियाँ की है ताकि हमें, मुझे या आपको ये गलतियाँ ना करनी पड़े, ये फाइनेंशियल गलतियाँ ना करनी पड़े। तो टोटल 3 लेसन मिलते हैं बोरिस बेकर के लाइफ से हमको, फाइनेंशियल लेसन। पहला फाइनेंशियल लेसन है कि जितनी आपकी इनकम है, जितनी मंथली सैलरी है, उससे कम का खर्चा करें। अगर 50,000 कमाते हैं और 70,000 खर्चा करते हैं हर महीने, गलत है। 1,00,000 कमाते हैं, 1,20,000 का हर महीने खर्चा करते हैं, गलत है। ये इक्वेशन को देखिए, पहले अपनी इनकम से आप सेविंग्स कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, और उसके बाद जो पैसा बचे उसका खर्चा कीजिए। और ये एक बहुत बड़ा मिथ भी बस्ट करता है, जो लोग कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत जरूरी चीज़ है, ज़्यादा पैसा होना जरूरी चीज़ है। जी नहीं, वो सिर्फ आधी ही स्टोरी है। पैसा कमाइए, लेकिन उतना ही जरूरी है उसकी सेविंग्स करना और उसको इन्वेस्टमेंट करना। दूसरा लेसन भी बड़ा मज़ेदार है। ऐसे हिंदी में एक कहावत है कि हमारी चादर जितनी बड़ी हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। आज की तारीख में लोन से क्लिक मारने से मिल जाती है, इतनी सारी लोन्स मिल रही है आज की तारीख में, लेकिन हमेशा पर्सनल फाइनेंस में अपना लोन का एक रेशियो रखिए कि जितनी आपकी मंथली इनकम है उसका 30% से कम ही लोन में जाना चाहिए। और बहुत अच्छा हो कि आप लोन ना ही ले, वो और भी अच्छा है। नहीं तो बोरिस बेकर जैसी गलतियां होंगी, जो आज $14 मिलियन वो आज ओ कर रहे हैं बैंक को इतना कमाने के बाद भी, तो वो गलती आप कभी मत करें। तीसरी चीज जो एक ट्रेंड बन रहा है धीरे धीरे जो आपके सामने है, वो है कि अब कैरियर और जॉब परमानेंट नहीं रहा है। पहले होता था कि 60 साल तक जॉब होती थी, उसके बाद भी कुछ ना कुछ काम होता था, अब वैसा नहीं रहा है। अब 45-50 साल के बाद भी अगली जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है, और दूसरे भी कारण है। तो इसीलिए कैरियर और जॉब परमानेंट नहीं है, लेकिन आपके खर्चे परमानेंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है, 80-85 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी आजकल जा रही है। तो अगर आप 45-50 साल तक कमा रहे हैं और 85 साल तक अगर आपको अपना जिंदगी चलानी है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है, और उस पर आप ध्यान आज से ही दीजिए। तो दोस्तों, मैं यही मानता हूं कि बोरिस बेकर ने ये फाइनेंशियल गलतियां अपनी लाइफ में की है ताकि हमें ये गलतियां ना करनी पड़े। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लिखिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टोरी बताइए।
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए कि आप किस तरीके के वीडियो आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू।